दोस्तों, रिलायंस ने हाल में ही अपनी 45th AGM यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में दिवाली से पहले कुछ चुनिंदा शहरों में जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में 5G सर्विस को शुरू करने का एक मास्टर प्लान बना लिया है। हम सभी ने ये तो सुना होगा ना कि 5G आने के बाद हम एक HD मूवी को कुछ ही सेकेंड्स में डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि 5G का फ़ायदा केवल यहीं तक सीमित है एक मूवी डाउनलोड तक को लेकर, तो शायद आपको आइडिया भी नहीं है कि 5G के आने के बाद टेक्नोलॉजी एक नए युग में, एक नए एरा में हम लोग एंटर होने जा रहे हैं। 5G से पहले हमने कहाँ से शुरू किया था, कितने समय में हम लोग 1G से 5G तक पहुँचे हैं, इस जर्नी को हम इस वीडियो में बड़ी आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, आज हम 4G से 5G की दुनिया में एंटर तो रहे हैं, लेकिन यहाँ तक के रेवोल्यूशन की जर्नी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये जर्नी शुरू हुई थी इंटरनेट की फर्स्ट जनरेशन से यानी 1G से इन 1980, और जहाँ पर हम केवल वॉइस कॉल ही कर सकते थे। और इस 1G जनरेशन में हम लोग जो वॉइस कॉल करते थे, इसका डेटा ट्रांसफ़र की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम स्पीड उस टाइम पे ऑफर होती थी 2.4 KBPS। जी हाँ, 2.4 KBPS, जहाँ आज की स्पीड की बात हम लोग GBPS तक की यूनिट में पहुँच कर करते हैं, वहाँ पर 1G की ऑफर स्पीड थी केवल 2.4 KBPS। लेकिन 1990 में लॉन्च हुआ 2G, जहाँ पर अब हम लोग इस काबिल हो गए थे कि हम वॉइस कॉल के साथ साथ टेक्स्ट मैसेज भी करने लगे यानी कि SMS, और स्पीड इस टाइम पर बढ़कर हो गई थी हमारी 64 KBPS। लेकिन 3G लॉन्च होने से पहले एक अपडेटेड वर्जन इस जनरेशन का लॉन्च किया गया था, जिसे कहा गया 2.5G। और जो नई चीज़ इस जनरेशन में हमें देखने को मिली वो थी इंटरनेट, विच इज़ कॉल्ड GPRS यानी कि जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। लेकिन दोस्तों, इस 2.5G में स्पीड में हमें कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिला, इवन कोई चेंज ही नहीं था। जहां पर 64 KBPS 2G में थी, वहीं 2.5G में भी 64 KBPS थी। अब बट स्टिल अभी 3G लॉन्च से पहले एक नया अपडेटेड वर्जन जनरेशन का यहां पर दोबारा लॉन्च किया गया, जिसको नाम दिया गया 2.75G। और अब यहां पर हमें स्पीड में एक छोटा सा चेंज हमें देखने को मिला, वो था स्पीड अब बढ़कर हो गई थी 64 KBPS से 170 KBPS। वो वाकई में उस टाइम के दौरान एक मैसिव जंप इसको माना जाएगा। तो अब 2000 में फाइनली अब हमारे पास लॉन्च हो चुका था 3G, और इस नई जनरेशन में स्पीड अब बढ़कर हो गई थी 384 KBPS। और ये स्पीड उन शुरुआती दौर के लिए काफ़ी थी जहाँ पर हम वीडियो कॉल कर सकें, बट स्पीड के लिए अभी भी काफ़ी कुछ करना बाकी था। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास आया नेक्स्ट 3.5G विद द स्पीड ऑफ 2 MBPS। लेकिन आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं 4G, जिसकी स्पीड क्लेम की जाती है 1 GBPS, जहाँ पर वॉइस कॉल, SMS तो हैं ही, साथ में स्मूथ वीडियो कॉलिंग, इंटरनेट, वीडियो ब्राउजिंग और फास्ट मूवी डाउनलोड तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर काफ़ी आसानी से और काफ़ी तेज कर सकते हैं। दोस्तों, 4G को यूज़ करते वक्त हमने कभी भी शायद इंटरनेट, वीडियो ब्राउजिंग और वीडियो कॉल्स करते समय कभी भी हमने बफरिंग की कोई दिक्कत शायद महसूस न की हो। लेकिन दोस्तों, अभी भी कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए 4G की स्पीड इनफ नहीं है। अब जैसे कि किसी रिमोट PC को स्मूथली यूज़ करना अपने सिस्टम पे लेके, टेस्ला जैसी कारों के लिए क्रूज़ कंट्रोल फीचर होना, एग्रीकल्चर या किसी और फील्ड में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाना, मेडिकल में क्रिटिकल सर्जरी के दौरान रिमोट ऑपरेशन, ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं। अगर इनमें 4G की मदद ली जाएगी तो रिजल्ट काफ़ी भयानक होने वाले हैं। दोस्तों, बेशक 4G की स्पीड चाहे अप टू 1 GBPS हो, बट इन सब कामों के लिए ये अभी भी इनफ नहीं है, क्योंकि इसका लेटेंसी रेट काफ़ी स्लो है। दोस्तों, ये लेटेंसी शब्द यूज़ होता है आपके इंटरनेट पे कमांड देने और उस कमांड के एग्जीक्यूट होने के बीच का टाइम। 4G की लेटेंसी जो पहचानी जाती है वो अप टू 60 मिलीसेकंड से 98 मिलीसेकंड तक, यानी कि अब हम अचीव तो काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, बट हमारे पास वो इंटरनेट की स्पीड ही नहीं अवेलेबल थी जिसके आगे कुछ और अचीव किया जा सके। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे हम लोग ब्रह्मांड में बाकी प्लैनेट्स को एक्सप्लोर तो करना चाहते हैं, बट वो फ्यूल कैपेसिटी ही हमारे पास नहीं है जिससे हम मंगल ग्रह से आगे कहीं और जा सकें। खैर, लेकिन अब 4G के बाद एक नई जनरेशन ऑलमोस्ट आ चुकी है जिसका नाम है 5G। 5G का प्रॉमिस है कि उसका लेटेंसी रेट होने वाला है 5 मिलीसेकंड तक का, और स्पीड होगी अप टू 10 GBPS। मतलब ये कि जो बैरियर हमें 4G के दौरान थे, जो महसूस हो रहे थे उस दौरान, वो 5G में नहीं होने वाले।
इसलिए 5G को कहा गया है एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम अनलिमिटेड। एक्चुअली में ये 5G या कोई भी जनरेशन को टेलीकॉम ऑपरेटर आपके पास तब तक पहुंचा पाएगा जब तक गवर्नमेंट उसके स्पेक्ट्रम टेलीकॉम ऑपरेटिंग कंपनीज को बेच नहीं देती। दोस्तों स्पेक्ट्रम के बारे में अगर हम बात करें तो एनर्जी हमेशा वेव के रूप में यानी तरंगों के रूप में ट्रैवल करती है और इन तरंगों को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स। इन इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स या इन सिग्नल को वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि रेडियो सिग्नल, इंफ्रारेड सिग्नल, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज या फिर गामा रेज। अब इन सभी तरंगों में हम अपनी आंखों से केवल विजिबल लाइट को ही देख पाते हैं और कम्युनिकेशन के लिए जो इन सिग्नल में सबसे अच्छा सिग्नल है उसको रेडियो सिग्नल माना जाता है। अब इन रेडियो वेव्स को भी यानी कि इन रेडियो सिग्नल को भी इनकी फ्रिक्वेंसी के आधार पर फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको फ्रीक्वेंसी शब्द का मतलब नहीं पता तो अक्सर जितने भी तरंग वेव्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये एक लहर के जैसे ट्रैवल करती हैं, एक लहर ऊपर की ओर तो दूसरी लहर नीचे की ओर। ऊपर वाली लहर को +1 से डिनोट किया जाता है और नीचे वाली लहर को -1 से। जब भी कोई वेव एक बार ऊपर और एक बार नीचे जाती है तो इन दोनों को मिलाकर एक लाइफ साइकिल एक वेव की बनती है और फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकेंड में कितनी लाइफ साइकिल पूरी की इस वेव ने। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई वेव एक सेकंड में 1000 साइकिल बनाती है तो इसकी वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी होगी 1 kHz और अगर ये साइकिल होगी 1 billion की तो फ्रीक्वेंसी होगी 1 MHz और इन केस ऑफ 1 billion तो फ्रीक्वेंसी होगी 1 GHz। तो हमारे FM में मोबाइल में जो वेव यूज़ होती है ये वही रेडियो वेव्स है जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। बट इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी वेव्स को कोई बिल्डिंग या पानी कोई भी ऑब्जेक्ट इसको रोक नहीं पाता, उसके आर पार से ये वेव्स गुजर जाती है तो काफ़ी आसान हो जाता है इस वेव को दूर दराज इलाकों में पहुंचाना। अच्छा एक फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जो एस्ट्रोनॉट का हेलमेट होता है उसमें एस्ट्रोनॉट की आवाज़ को यानी कि साउंड सिग्नल को रेडियो सिग्नल में बदल दिया जाता है जिससे उसकी आवाज़ धरती पे साइंटिस्ट सुन सकते हैं। खैर अब इन 5G सिग्नल को भी 3 तरह के फ्रिक्वेंसी बैंड में बांटा जा सकता है, लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड, जो कि रहेगी 600 MHz से 26 GHz के बीच और इन सब की फ्रिक्वेंसी को मिलाकर बनता है 5G स्पेक्ट्रम। दोस्तों एक बात और कि इन स्पेक्ट्रम की क्वांटिटी काफ़ी लिमिटेड होती है तो इस वजह से टेलीकॉम कंपनीज में एक तरह का कंपटीशन हमेशा चलता रहता है। दोस्तों गवर्नमेंट ने 20 साल की वैलिडिटी के साथ टोटल 72,097.85 MHz स्पेक्ट्रम की नीलामी की और इस नीलामी से गवर्नमेंट ने अब तक सबसे ज़्यादा 1.5 लाख करोड़ रुपये भी कमा लिए हैं। सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम रिलायंस जियो ने ऑलमोस्ट जो स्पेक्ट्रम का 50% था 57,122 करोड़ में खरीदे, बाकी एयरटेल ने 355.45 MHz 18,698 करोड़ में खरीदे, वोडाफोन आइडिया ने 11.80 MHz की वेवलेंथ 1,803 करोड़ रुपये में खरीदी। अब 50% स्पेक्ट्रम एक्वायर करने के बाद रिलायंस के हौसले काफ़ी बुलंद है और अपनी लेटेस्ट AGM में उन्होंने अनाउंस भी किया कि वो दिवाली से पहले जियो एयर फाइबर और जियो क्लाउड PC को लॉन्च करेंगे। जियो एयर फाइबर एक ऐसा डिवाइस होगा जो सिर्फ बिजली की सप्लाई देने से ही आपके घर को 5G हॉटस्पॉट में बदल देगा और बिना किसी तारों के तामझाम के आप हाई स्पीड 5G का मजा ले पाएंगे। दूसरा प्रोडक्ट जो रिलायंस ने अनाउंस किया वो 5G रेवोल्यूशन के बिना पॉसिबल ही नहीं था और वो है जियो का क्लाउड PC, जिसमें आप डिवाइस की मदद से अपने लैपटॉप की मदद से अपने नॉर्मल लैपटॉप को एक हाई कॉन्फ़िगर्ड मशीन में बदल सकते हैं। ना कोई स्लो प्रोसेसर की दिक्कत, ना ही कोई कम स्टोरेज वाले रैम की दिक्कत और ना ही कम स्टोरेज वाली हार्ड ड्राइव या SSD की। बस जितना आप यूज़ करेंगे उतना चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। अब ये डिवाइस तो पक्का कई लैपटॉप्स की सेल गिराने वाली है। मुकेश अंबानी ने ये भी अनाउंस किया कि चलाने को तो वैसे 5G ऑलरेडी जो 4G वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर चलाया जा सकता है, लेकिन इसके हाईएस्ट परफॉर्मेंस के लिए एकदम नए इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत पड़ेगी और इसको उन्होंने बोला है स्टैंड अलोन मॉडल और जो इसे बनाता है ट्रू 5G। दोस्तों 5G के आने से एक नए युग की शुरुआत हो जाएगी जिसमें हम टेक्नोलॉजी के कई बड़े बदलाव हम महसूस करेंगे, जैसे मोर मेटावर्स एक्सपीरियंस, गाड़ियों में मोर एडवांस क्रूज कंट्रोल जैसे कि टेस्ला गाड़ी में होता है और इस चीज़ को बोला जाता है IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
5G के आने के बाद हम अपने इस दौर में कई बड़े बदलावों को, कई टेक्नोलॉजी रिलेटेड बड़े बदलावों को महसूस करेंगे, जैसे मोर मेटावर्स एक्सपीरियंस, गाड़ियों में मोर एडवांस क्रूज कंट्रोल जैसे टेस्ला की गाड़ियों में होता है, जिसे IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी कहा जाता है। एग्रीकल्चर, मेडिकल, स्पोर्ट्स और कई फील्ड में बहुत बड़े मेजर चेंजेस हम लोग फील करने वाले हैं। तो मूवी को कुछ सेकंड में डाउनलोड कर लेना, इससे ऊपर भी 5G के पास बहुत कुछ है। तो दोस्तों, बी रेडी फॉर एक्सपीरियंसिंग ए न्यू वर्ल्ड। मैं हरीश शर्मा, साइनिंग ऑफ।